हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये इमेज हमें एक बहुत बड़ी सीख दे रही है। आप देख सकते हैं, पहला जो इंसान खड़ा है वो एक यंग लड़का है जिसके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, एनर्जी की भी कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ मनी, पैसे की। वहीं दूसरी ओर एक अडल्ट इंसान खड़ा है जिसके पास मनी की कोई कमी नहीं है, एनर्जी की भी कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ टाइम की, उसके पास टाइम ही नहीं है। वहीं तीसरा इंसान जो एक बुजुर्ग हो चुका है, उसके पास टाइम की भी कोई कमी नहीं है, मनी की भी कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एनर्जी की, उसके पास एनर्जी ही नहीं बची है उनका सही इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें लाइफ में इन सब चीज़ों का बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम उस करंट सिचुएशन को, उस करंट पल को एंजॉय कर सकें। हेल्पिंग वन पर्सन माइट नॉट चेंज द वर्ल्ड, बट इट माइट चेंज द वर्ल्ड फॉर वन पर्सन। दोस्तों, ये इमेज हमें सीख दे रही है कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक इंसान की हेल्प करने से ही दुनिया थोड़ी ना बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप ये सोचिए कि जिस इंसान की आपने हेल्प की है, डेफिनेटली उसकी दुनिया जरूर बदल जाने वाली है। उसका जो घर परिवार है, उसके लिए, उसके खुद के लाइफ के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आपने हेल्प किया है। तो हमें डेफिनेटली लोगों की हेल्प करनी चाहिए जितना हमसे हो सके। अपनी नेक्स्ट इमेज की ओर चलते हैं दोस्तों। बीइंग लेट डजंट मीन फेलियर, मे बी इट मीन्स गेटिंग रेडी फॉर अ ग्रेट लॉन्च। दोस्तों, कई बार हम लाइफ में घबरा जाते हैं कि हम इतना लेट हो रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा है लाइफ में, हम बस पढ़े जा रहे हैं, स्टडी किए जा रहे हैं, हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे। जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ब्रेन के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, डेफिनेटली वो आपको फ्रूटफुल होगा, आपको फायदा होगा। आपको जस्ट पेशेंस रखना है और इंतजार करना है एक ग्रेट लॉन्च का। नेक्स्ट इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है एंजॉय द मोमेंट बिकॉज इफ यू वेस्ट इट यू विल नेवर गेट इट बैक, एवरी मोमेंट इज यूनिक। दोस्तों, कई बार क्या होता है, आज की डेट में हम लोग जो है कहीं ना कहीं इतना बिजी हो गए अपने लाइफ में, जो हमारा करंट मोमेंट होता है हम इसको एंजॉय करना भूल गए हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे फ्यूचर में ऐसा होगा, तब हम एंजॉय करेंगे, तब हम हैप्पी होंगे। लेकिन जो हमारा करंट टाइम है, जिस टाइम में हम जी रहे हैं, हम उसको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, और वो टाइम बहुत ही यूनिक होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमें हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए, और एंजॉय करते रहिए हमारे चैनल को देखते हुए, और नई नई चीज़ें सीखिए। द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स वर द बार्स आई यूज फॉर माई ओन केज। दोस्तों, ये इमेज हमें सिखा रही है कि दूसरों की जो लाइफ में हमारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कहीं ना कहीं हम उनको उनमें घिरते चले जाते हैं, उनके अंदर अपने आप को हम बंद किए जा रहे हैं। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों कि लोगों के एक्सपेक्टेशन अलग अलग हैं, हमारे परिवार में अलग अलग लोग होते हैं, हर किसी की अपनी अलग अलग उम्मीदें हैं, और हम क्या करते हैं, उन उम्मीदों के अंदर कहीं ना कहीं बंद होते चले जाते हैं एक जेल की तरह। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हो कि एक एक एक्सपेक्टेशन से उनके एक एक बार बनते बनते पूरा एक जेल बन जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों की उम्मीदों के साथ साथ आपकी क्या उम्मीदें हैं आपकी लाइफ में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप उसके ऊपर काम करें। लोग जो कह रहे हैं उनकी सुने, उसको समझें, और आपको सही लगता है तो उस पर गौर करें। दोस्तों, नेक्स्ट इमेज कहती हमें कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, विच वन आर यू। मतलब दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो मुसीबत आने पर डगमगा जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं, उसके अंदर घिर जाते हैं। वहीं दूसरी और दूसरे इंसान हैं जो मुसीबतों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा रिलैक्स रहते हैं, चिल रहते हैं, और उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, वो भी कूल एंड काम माइंड से। अगर आप घबरा जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो उसका सॉल्यूशन आप बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, और जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों, शांत दिमाग से जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं उनका हल निकालिए, और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।